सोचो कि आपको कोई स्टार्टअप करने के लिए 7,500 करोड़ रुपए देता है और आप उसको बहुत ही रिस्पॉन्सिबली यूज करते हुए न सिर्फ एक ऐसा स्टार्टअप बनाते हो जो कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करे बल्कि लोगों के दिल में एक खास जगह भी बनाते हो। सब कुछ बहुत ही जबरदस्त चल रहा था, कंपनी हर रोज खुद को ग्रो कर रही थी और आपकी टीम मिलकर अब स्टार्टअप के IPO की तैयारी करने में लग गए। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि IPO आना तो बहुत ही दूर की बात, कंपनी किसी और दूसरी कंपनी को बिक जाती है। ऐसी कुछ कहानी है ग्रोफर्स की, वो कंपनी जो हमारे घर बैठे बैठे हमारी घर की सारी नीड्स पूरी कर देती थी, आज उस कंपनी के साथ कुछ ऐसा चल रहा है कि हर दिन वो कंपनी किसी न किसी मुसीबत से जूझ रही है। 2013 में शुरू हुई ग्रोफर्स दिसंबर 2021 में अपना IPO करने वाली थी, लेकिन अचानक से ये कंपनी जोमैटो के साथ एक $700 मिलियन की डील में मर्ज हो जाती है। मोर ओवर, जहाँ पर स्विगी, इंस्टामार्ट और जेप्टो जैसी कंपनीज हर दिन कामयाबी की एक नई ऊंचाई को छू रही है, वहीं पर ग्रोफर्स दिन ब दिन इतनी बुरी हालत से गुजर रही है कि ये कंपनी बंद होने की कगार पर है। जिस ब्रांड को हम लोग सालों से ग्रोफर्स के नाम से जानते थे, उसने आखिर अपना नाम क्यों चेंज किया? क्या ग्रोफर्स को स्विगी और जेप्टो ने मिलकर मारा? आखिर क्या कसूर था ग्रोफर्स का कि इतने सालों की मेहनत से बनाई गई इस कंपनी को आज ये सब भुगतना पड़ रहा है? तो ये कहानी शुरू होती है साल 2013 में, जब सौरभ कुमार और अरविंदर ढिंडसा ये अपने आसपास सारी की सारी चीजें फोन के क्लिक से होते हुए देख रहे थे। चाहे वो खाना ऑर्डर करना हो या फिर कैब बुलवाना हो, हर एक चीज फोन के क्लिक से हुआ करती थी। उसी टाइम पर उन दोनों को एक आइडिया आता है। उनका ये सोचना था कि खाने से लेकर कैब बुकिंग हर एक चीज आज लोग फोन पर कर रहे हैं, तो फिर आखिर ऐसा क्यों है कि ग्रोसरीज लेने के लिए लोगों को घर से निकलना पड़ता है? ये चीज भी तो फोन पे हो सकती है। और यही वो जगह है जहां से शुरुआत होती है ग्रोफर्स की। बहुत ही कम टाइम में तगड़ी फंडिंग रेस करके ग्रोफर्स खुद को स्पीड से एक्सपैंड करना चालू करती है और देखते ही देखते सिर्फ कुछ ही टाइम में दिन के 50,000 से ज्यादा ऑर्डर्स डिलीवर करते हुए ग्रोफर्स मार्केट को डोमिनेट कर लेती है। साल 2021 तक ग्रोफर्स और बिग बास्केट ये दो ही कंपनीज थी जो कि इंडिया के ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी स्पेस को चला रही थी। लेकिन फिर कुछ बदलता है और इंडिया की ग्रोसरी डिलीवरी स्पेस पर सालों से राज कर रही कंपनीज की तकदीर हमेशा के लिए बदल जाती है। 2013 में जिस वक्त ग्रोफर शुरू हुई थी, उस वक्त कई सारे सिमिलर स्टार्टअप्स भी शुरू हुए थे, लेकिन लोकल बलिया से लेकर पेपर टैप, इनमें से कोई भी ग्रोसरी डिलीवरी स्टार्टअप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन आखिर ऐसा है क्यों? वेल, बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी का स्पेस ऊपर से देखने में जितना ज्यादा सिंपल लगता है, ये अंदर से उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ऊपर से देखने में तो दिखाई नहीं देती, लेकिन वही चीजें एक स्टार्टअप के फेलियर का कारण बनती हैं। अब सवाल यह है कि वो चीजें आखिर है क्या? वो चीज है यूनिट इकोनॉमिक्स, यानी कि कंपनी पर ऑर्डर कोई प्रॉफिट बुक कर रही है या फिर कंपनी लॉसेस में जा रही है। हम लोगों को ऊपर ऊपर से सिर्फ वही चीज दिखती है जो कि हमें दिखाया जाता है, लेकिन वो यूनिट इकोनॉमिक्स होते हैं जो कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी या फिर उस कंपनी का फेलियर डिसाइड करते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि ग्रोफर्स की सक्सेस का राज है लैक ऑफ कॉम्पिटिशन, कि जिस वक्त ग्रोफर्स अपनी कामयाबी की एकदम ऊंचाइयों पर थी, उस वक्त तो मार्केट के अंदर कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है। पेपर टैप, लोकल बनिया, ग्रॉक शॉप, फ्लैश डोर, गेट नाउ मार्केट, ये सारे के सारे स्टार्टअप्स भी उस वक्त ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी स्पेस के अंदर काम कर रहे थे। लेकिन इन सभी स्टार्टअप्स में से सिर्फ ग्रोफर्स ही एक ऐसा स्टार्टअप था जिसने कुछ ऐसा किया जिसने उन्हें इतने लंबे टाइम तक जिंदा रखा। पेपर टैप से लेकर लोकल बनिया, इन सभी स्टार्टअप्स का विजन एक ही था कि सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर लोगों के घर पे ग्रोसरीज डिलीवर हो जानी चाहिए। यह आइडिया बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, वो ये है कि इसके चलते कंपनी का पूरा कॉस्ट स्ट्रक्चर हिल जाता है। और इसी चीज से लड़ने के लिए ग्रोफर्स ने एक जीनियस स्ट्रेटजी बनाई। लेकिन इस स्ट्रेटजी को समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी का बिजनेस आखिर काम कैसे करता है। तो ज्यादातर स्टार्टअप्स इस तरीके से काम करते थे, कस्टमर अपना ऑर्डर ऐप के ऊपर प्लेस करता था, वो ऑर्डर ऐप से बाकी शॉपकीपर्स तक पहुंचता था जिनसे उन्होंने टाइप कर रखा होता था। उसके बाद उसी कंपनी का एक डिलीवरी बॉय उन शॉपकीपर्स के पास जाता था, ऑर्डर कलेक्ट करता था और उसको बाद में कस्टमर्स के पास डिलीवर कर देता था। अब इस मॉडल के अंदर ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स आती थी। नंबर 1, नो कंट्रोल ओवर क्वालिटी, जो भी क्वालिटी शॉपकीपर ने रखी हुई है सिर्फ वही क्वालिटी कस्टमर्स को डिलीवर होगी। नंबर 2, लैक ऑफ इन्वेंटरी, कस्टमर सिर्फ वही चीजें खरीद सकते हैं जो कि शॉपकीपर की इन्वेंटरी में पड़ी हुई है। अगर शॉपकीपर के पास इन्वेंटरी नहीं है तो फिर कस्टमर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। नंबर 3, हाई कॉस्ट बट लो मार्जिन्स, इसी चीज के चलते ज्यादातर ग्रोसरी डिलीवरी स्टार्टअप्स एक बार डिस्काउंट देकर कस्टमर को अपने पास ले तो आते थे, लेकिन पुअर सर्विस के कारण वो कस्टमर उन्हें बहुत ही जल्दी छोड़कर चला जाता था। बट यू नो व्हाट, इन सभी स्टार्टअप्स में सिर्फ ग्रोफर्स ही एक ऐसा स्टार्टअप था जिसने अपना पूरा का पूरा वर्किंग मॉडल ही चेंज कर दिया था। तो सबसे पहले तो ग्रोफर्स ने अपनी 90 मिनट्स डिलीवरी को बंद किया, क्योंकि उनको मार्केट को देखते हुए ये समझ में आ गया था कि किसी को भी इतनी जल्दी नहीं होती कि उसको 90 मिनट के अंदर अंदर ही अपना सामान चाहिए। उसके बाद ग्रोफर्स ने अपने कई सारी सिटीज के अंदर ऑपरेशंस को शट डाउन किया और सिर्फ मेट्रो सिटीज पर फोकस किया। मेट्रो सिटीज में जाकर उन्होंने अलग अलग जगहों पे अपने वेयर हाउसेस सेटअप करे जिसने उन्हें ये 3 मेन सुपर पावर्स दी। नंबर 1, सुपर इन्वेंटरी, क्योंकि ग्रोफर्स एक टेक्नोलॉजी बिजनेस है तो उनके पास डेटा होता है जिसके चलते उनको ये पता लग जाता है कि आखिर कौन सा प्रोडक्ट रखने की उनको जरूरत है और कौन सा प्रोडक्ट कस्टमर ज्यादातर नहीं मंगवाते, जिसके चलते
वो लोग जो प्रोडक्ट ज्यादा बिकते हैं उनकी ज्यादा इन्वेंट्री स्टॉकअप कर सकते हैं, क्योंकि अब सारे के सारे वेयर हाउसेज ग्रोफर्स के ही है। नंबर टू, स्टॉकेबल आइटम्स। ग्रोफर्स ने सारे के सारे पेरिशेबल आइटम्स को अपनी लिस्ट से डीलिस्ट किया, यानी कि वो आइटम्स जो कि बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, और सिर्फ उन आइटम्स को रखा जिनको लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सकता है, जिसके चलते उनकी स्टोरेज की कॉस्ट भी कम हो गई। एंड नंबर थ्री, गुड मार्जिन्स। ये अच्छे मार्जिन्स उन्हें इन दो चीजों की वजह से मिले। नंबर वन, कि क्योंकि अब कोई मिडलमैन नहीं है तो सारे के सारे जो मार्जिन्स वो लोग कमा रहे हैं वो ज्यादा है कंपेयर्ड टू अगर कोई मिडलमैन होता तो। एंड नंबर टू, कि उन्होंने प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स को भी रखना शुरू किया, जिसके चलते जो प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर उनको ज्यादा मार्जिन मिलता है एज कम्पेयर टू ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। सब कुछ बहुत ही जबरदस्त चल रहा था, और कोविड के बाद तो मान लो ग्रोफर्स की लॉटरी लग गई थी। सब लोग घर में बंद थे और सब लोगों को ग्रोसरीज की जरूरत थी, तो कौन डिलीवर करेगा? ग्रोफर्स। ग्रोथ बहुत ही ज्यादा जबरदस्त थी, और इतनी जबरदस्त ग्रोथ को देखते हुए दिसंबर 2021 में ग्रोफर्स अपने आईपीओ लाने का फैसला करती है। लेकिन तभी मार्केट के अंदर एंट्री होती है जेप्टो की। बिजनेस इज वॉर। मुश्किलें आती हैं, काफी सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और कभी कभी तो हालत इतनी बुरी हो जाती है दैट यू कैन लूज इट ऑल। लेकिन हाँ, अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है देन मोस्ट ऑफ इट कैन बी अवॉइडेड, बट इंटरेस्टिंगली इट इज टू बोरिंग। हम में से ज्यादातर लोग कभी भी सीखने के लिए उतने ज्यादा एफर्ट्स लगाना ही नहीं चाहते, लेकिन मेरे पास आपके लिए कुछ बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। मैनेजमेंट लेसंस फ्रॉम आइकॉनिक ब्रांड्स ऑफ इंडिया, ये वो ऑडियो बुक है जिसके अंदर बिजनेस और मार्केटिंग के वो पावरफुल लेसंस है जो हमें कभी भी स्कूल और कॉलेज के अंदर नहीं सिखाए जाते। ये ऑडियो बुक एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ कुकू एफएम के ऊपर अवेलेबल है। और पता है मजे की बात क्या है, कि अगर आप सुनो 50 कूपन कोड यूज करते हो तो 31 मई तक आप अपने कुकू एफएम के एनुअल सब्सक्रिप्शन के ऊपर 50% का डिस्काउंट ले सकते हो। वक्त गवा कर कुछ नहीं मिलता, इसलिए वक्त मत गवाओ। सुनो 50 कूपन कोड यूज करो और अपने कुकू एफएम के एनुअल सब्सक्रिप्शन के ऊपर 50% का ऑफ लेकर अनलिमिटेड नॉलेज पाओ। मैंने आप सभी लोगों के लिए लिंक और कूपन कोड दोनों के दोनों डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दिए हैं। लिमिटेड ऑफर है, चॉइस आपकी है। जेप्टो 19 साल के दो लड़कों द्वारा बनाए गए स्टार्टअप ने मार्केट में आते ही ग्रोफर्स की नींव हिला दी, क्योंकि जहां ग्रोफर्स 2 से 3 घंटे में डिलीवरी किया करता था, वहीं पर जेप्टो ने सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर ग्रोसरी डिलीवर करके लोगों के होश ही उड़ा दिए। और देखते ही देखते अब ग्रोसरी डिलीवरी का मार्केट क्विक कॉमर्स के सेगमेंट की तरफ बढ़ रहा था। कहने को तो मार्केट के अंदर कोई कॉम्पिटिशन नहीं था, लेकिन अगर लोगों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर डिलीवरी लेने की आदत पड़ गई तो फिर ग्रोफर्स से आखिर कौन मंगवाएगा। और इसी चीज के चलते ग्रोफर्स बना ब्लिंकिट, लेकिन ब्लिंकिट को सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर ही जोमेटो के साथ मर्ज हो जाना पड़ता है। आई नो आप क्या सोच रहे हो कि कंपनी में तो सब कुछ बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चल रहा था, तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि रीब्रांडिंग के बाद इस कंपनी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई? वेल, इस चीज को समझने के लिए हमारा इन दो चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर वन, क्विक कॉमर्स ऑपरेशनल मॉडल। एंड नंबर टू, सोसाइटीज बिहेवियरल डिजाइन। किसी भी क्विक कॉमर्स मॉडल के ये 3 बैकबोन्स होते हैं। नंबर वन, डार्क स्टोर्स। ये मिनी स्टोर्स होते हैं जहाँ पर सामान स्टोर किया जाता है, इन्वेंट्री स्टोर करी जाती है। नंबर टू, ओवरली पेड डिलीवरी बॉयज। क्योंकि क्विक कॉमर्स 10 मिनट में डिलीवरी करता है तो जो डिलीवरी बॉयज है उनको हमेशा अवेलेबल रहना पड़ता है, जिसके चलते उन डिलीवरी बॉयज को ज्यादा सैलरी देनी पड़ती है। नंबर थ्री, एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप 10 मिनट में डिलीवरी करने का सोच रहे हो और आपका इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम एफिशिएंट नहीं है तो आप जिंदगी में कभी भी 10 मिनट में डिलीवरी नहीं कर सकते। सो ये मॉडल कुछ इस तरीके से काम करता है। मान लो आप एक कस्टमर हो और आपने ऐप पर अपना ऑर्डर प्लेस किया, ऐप से वो ऑर्डर जाता है सेंट्रल डेटाबेस में, और सेंट्रल डेटाबेस से आपके घर के पास में जो सबसे पास डार्क स्टोर होगा वहां पर ये ऑर्डर पहुंचता है, वहां ऑर्डर रिसीव होता है, ये सारा का सारा ऑर्डर 1 मिनट के अंदर अंदर पैक हो जाता है और वहां से डिलीवरी बॉय आपके घर तक ये ऑर्डर डिलीवर करने के लिए निकल जाता है। एंड फाइनली 10 मिनट में ऑर्डर आपके घर पे पहुंचता है। अब आता है सोसाइटी का बिहेवियरल डिजाइन। इस बिहेवियरल डिजाइन के अंदर मेनली ये दो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। नंबर वन, फैमिलीज। एंड नंबर टू, मिलेनियल्स, यानी कि बैचलर लोग, नॉर्मल लोग जो कि यंग है और अकेले रहते हैं या फिर ग्रुप्स में रहते हैं लेकिन फैमिलीज में नहीं रहते। सो बेसिकली फैमिली के डायनामिक्स के अंदर जो ऑर्डर साइज है वो बड़ा होता है, लेकिन जो मिलेनियल्स है उनके लिए जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो होती है अर्जेंसी। उनको सामान चाहिए जल्दी से जल्दी। एंड फैमिलीज जब भी कोई सामान ऑर्डर करती है तो उनको एज सच कोई बहुत ज्यादा अर्जेंसी नहीं होती है, लेकिन मिलेनियल्स जो होते हैं उनका ऑर्डर साइज भी छोटा होता है और उनकी अर्जेंसी भी ज्यादा होती है। सो बेसिकली क्विक कॉमर्स के अंदर जो एकदम परफेक्ट कस्टमर है वो मिलेनियल्स हैं, ना कि फैमिलीज। फैमिलीज हैं लेकिन बहुत ही कम परसेंटेज में। फैमिलीज के ऑर्डर्स बड़े होते हैं तो फैमिली के द्वारा करे गए ऑर्डर्स कंपनी के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा फैमिलीज जब भी कोई सामान मंगवाती है तो उनको एज सच अर्जेंसी नहीं होती। वहीं पर दूसरी तरफ जब मिलेनियल्स ऑर्डर करते हैं तो उनको अर्जेंसी तो बहुत होती है लेकिन वो सामान मंगवाते हैं बहुत ही ज्यादा कम, जो कि कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होता। जेप्टो, इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट, अगर हम इन कंपनीज को बहुत ही क्लोजली एनालाइज करें
तो इन कंपनीज का काम अभी प्रॉफिट कमाने का है ही नहीं। इन कंपनीज का काम ये है कि ये लोग सोसाइटी के बिहेवियरल डिजाइन को इस तरीके से ऑल्टर कर दे कि लोगों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर ही अपना ऑर्डर लेने की आदत पड़ जाए। लेकिन इस चीज को करने में जो सबसे बड़ा इशू आता है वो है मार्केट के डायनामिक्स। ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट, इन सभी कंपनीज के जो एक्चुअल रियल कस्टमर्स है, जहां से इनका प्रॉफिट आ सकता है, वो सबके सब अर्बन सिटीज के अंदर रहते हैं। लेकिन इन सारी अर्बन सिटीज के अंदर अगर आप देखो क्लोजली तो बहुत ही पास में, बहुत ही कम डिस्टेंस पर मार्केट्स अवेलेबल होती हैं। नाउ लुक एट दिस वेरी वेरी केयरफुली। कंपनी के ये दो टारगेट कस्टमर्स हैं, फैमिलीज और यंगस्टर्स। इन अर्बन फैमिलीज के अंदर या तो बच्चे होते हैं या फिर सर्वेंट्स होते हैं या कभी कभी तो दोनों होते हैं। इसीलिए अगर फैमिली को कोई भी अर्जेंट नीड होगी तो वो लोग बच्चे या सर्वेंट्स को कहकर पास की दुकान से सामान इजिली मंगवा सकते हैं। दूसरे सेट ऑफ कस्टमर्स है यंगस्टर्स, जिनको अर्जेंसी भी होती है और जिनके पास कोई सर्वेंट्स भी नहीं होते, उनको ऑर्डर्स चाहिए ही चाहिए। लेकिन वो लोग जब भी कोई ऑर्डर करते हैं तो उस ऑर्डर का साइज उतना ज्यादा बड़ा नहीं होता, जिसके चलते कंपनीज का प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल है। आई टेल यू हाउ। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंडिया के अंदर लोग डिशवॉशर का यूज आखिर क्यों नहीं करते? आपको 1000 में से हार्डली कोई एक घर ऐसा मिलेगा जहां पर डिशवॉशर का यूज होता है, लेकिन आखिर ऐसा है क्यों? वेल, द आंसर इज वेरी चीप अल्टरनेटिव्स। इंडिया के अंदर जो सर्वेंट्स है वो बहुत ज्यादा सस्ते हैं, इसलिए इंडिया में एक डिशवॉशर लगवाने से ज्यादा सस्ती कॉस्ट एक बाई लगवाने की पड़ती है। प्लस आप बाई को डांट सकते हो, आप उससे एक्स्ट्रा काम भी करवा सकते हो, लेकिन डिशवॉशर सिर्फ और सिर्फ आपके बर्तन मांजेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप फॉरेन कंट्रीज में देखो तो वहां पर जो सर्वेंट्स है उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ती है। एक नॉर्मल फैमिली भी, एक मिडिल क्लास फैमिली भी सर्वेंट अफोर्ड नहीं कर सकती है, जिसके चलते उनको डिशवॉशर का यूज करना ही पड़ता है। और यही सेम चीज ग्रोसरी डिलीवरी के अंदर भी अप्लाई होती है। इंडिया के अंदर ज्यादातर फैमिलीज के पास जो कि ग्रोसरी डिलीवरी करवाना चाहते हैं, उनके पास इन कंपनी से ज्यादा सस्ते और ज्यादा कस्टमाइजेबल अल्टरनेटिव्स ऑलरेडी अवेलेबल है। इसलिए आज जब प्राइस कम है तो हम लोग ये 10 मिनट की डिलीवरी देकर बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं, लेकिन जब बात प्राइस की आएगी तो देर आर वेरी हाई चांसेस दैट वी विल गिव इट अ सेकंड थॉट। आई नो आप क्या सोच रहे हो कि स्विगी और जोमेटो भी तो ये सेम चीज ही करते हैं, खाना डिलीवरी करते हैं, तो फिर आखिर ये स्टार्टअप्स इतने जबरदस्त क्यों चल रहे हैं? वेल, देयर इज अ डिफरेंस। स्विगी और जोमेटो हाइपर लोकल डिलीवरीज करते हैं, मतलब कि आपको अपने घर बैठे बैठे अपनी पसंद का खाना मिल जाएगा, जिसके लिए अगर आपको एक्स्ट्रा पे करना भी पड़े तो आपको चलेगा। प्लस ये कंपनीज कभी भी 10 मिनट में खाना डिलीवर करने का प्रॉमिस नहीं करती हैं, तो इनका कोई टाइम कंस्ट्रेंट भी नहीं होता। सिंपल सी बात है, आप खाना लेने के लिए 10 रेस्टोरेंट्स नहीं घूम सकते हो। प्लस आप किसी को ये कह भी नहीं सकते कि आप जाओ 5 किलोमीटर दूरी रेस्टोरेंट है और वहां से खाना लेकर आ जाओ, इतना ईजी नहीं है। लेकिन ग्रोसरी डिलीवरी के साथ ऐसा नहीं है। अर्बन सिटीज के अंदर हर 100 से 200 मीटर के अंदर अंदर आपको कोई ना कोई ग्रोसरी की दुकान मिल जाएगी, और जैसे ही ये कंपनीज अपने प्राइसेस को बढ़ाएगी तो पीपल विल शिफ्ट टू बेटर अल्टरनेटिव्स। रियलिटी ये है कि क्विक कॉमर्स का मॉडल बहुत ही ज्यादा फंडिंग डिपेंडेंट है। अगर फंडिंग नहीं है तो क्विक कॉमर्स के मॉडल को सस्टेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जब तक कंपनीज के पास फंड्स हैं तब तक दे विल कीप गोइंग, और यही वो जगह है जहां से ग्रोफर्स के डाउनफॉल की शुरुआत होती है। ज़ेप्टो ने शुरुआत ही क्विक कॉमर्स से करी थी, इसलिए उनको स्टार्टिंग में अच्छी खासी फंडिंग मिल गई थी। लेकिन जब ग्रोफर्स ब्लिंकिट बना तो उन्होंने सिर्फ कंपनी का नाम नहीं चेंज किया, बल्कि कंपनी का पूरा ऑपरेशनल मॉडल ही चेंज हो गया। आज ब्लिंकिट सर्विस कर पा रही है क्योंकि जोमेटो ने ब्लिंकिट के अंदर $700 मिलियन के आसपास इन्वेस्ट कर रखे हैं। लेकिन एक ना एक दिन तो ये फंडिंग खत्म होगी, और यही वो जगह है जहां पर इस केस स्टडी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन छुपा हुआ है। उस लेसन का नाम है द साइकिल। बहुत ही कम लोग हैं जिनको स्टार्टअप इकोसिस्टम की साइकिल के बारे में मालूम है, जिस चीज के चलते जब इन कंपनीज का आईपीओ आता है तो हम में से ज्यादातर लोग अपना पैसा गवा देते हैं। मार्केट की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये स्टार्टअप से एक आइडिया क्रिएट करते हैं, उस आइडिया के एग्जीक्यूशन के लिए इन्वेस्टर्स से पैसे रेस करे जाते हैं, उन पैसों का इस्तेमाल होता है, कैश बर्न किया जाता है कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए। जैसे ही कस्टमर्स आ जाते हैं कंपनी के पास रेवेन्यू हो जाता है, जितना ज्यादा रेवेन्यू उतना ज्यादा वैल्यूएशन। जब वैल्यूएशन पंप अप हो जाता है उस पंप अप वैल्यूएशन के ऊपर एक आईपीओ निकाला जाता है, जिस आईपीओ के अंदर पैसे कौन इन्वेस्ट करता है? आप लोग। तो होता बेसिकली क्या है, ये स्टार्टअप्स इन्वेस्टर्स का पैसा यूज करते हैं कैश बर्न करने के लिए, आपको डिस्काउंट्स देते हैं, आपको एक्वायर करते हैं, और उसके बाद अपने आईपीओ के टाइम पर आप ही के पैसों से वेल्थ क्रिएट करी जाती है। सो इन शॉर्ट, हम में से ज्यादातर लोगों को आज भी यही लगता है कि यार ये स्टार्टअप इकोसिस्टम कितना ज्यादा जबरदस्त है, हमको अच्छी सर्विस मिल रही है, लोगों को जॉब मिल रही है। बिल्कुल है, नो डाउट ये स्टार्टअप इकोसिस्टम काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन आप ये चीज समझ लो, अगर कोई कंपनी आपको एज कस्टमर्स एक्वायर करने के लिए हैवी कैश बर्न कर रही है ना, तो आज नहीं तो कल वो पैसा आप ही की जेब से जाना है जब वो कंपनी आईपीओ लॉन्च करेगी। और यही रीजन है कि क्योंकि लोगों को इस स्टार्टअप साइकिल के बारे में मालूम ही नहीं होता, ज्यादातर लोग इन स्टार्टअप्स के आईपीओ के अंदर पैसा लगाकर अपना पैसा गवा देते हैं। मिस्टर गौतम अडानी की नेटवर्क पिछले एक साल में 230% से ज्यादा बढ़ी है। हर तरफ अडानी ग्रुप की कामयाबी के ही चर्चे हैं, लेकिन
सवाल ये है कि अडानी ग्रुप की इस कामयाबी के पीछे का राज क्या है। अडानी ग्रुप के अंदर ऐसी कई सारी चीजें हैं जो ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है। अगर आप ये राइट वाली वीडियो देखोगे ना तो जान जाओगे।